मम्मा के पास वापस जाना है बस किसी तरह। हाँ बीच में थोड़ा सा डर लगा था, जब बाहर कुछ ऐसी आवाज होती है तो हाँ थोड़ा सा डर लगता है डेफिनेटली। कुछ बनाने के लिए तो है नहीं, तो सारा मैगी मैगी खाएंगे हम। ये टिबे में सारा सामान, खाने का सामान खत्म हो गया है, पता नहीं कैसे रहना है। इंडियन एम्बेसी की तरफ से एग्जैक्ट टाइम, सही टाइम पे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जिस वजह से आज हम अभी तक यहाँ फंसे हुए। जब सुबह उठे, सुबह जब मैं उठा था तो मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ एक आग वो लग रही थी, आग सी। तो सारे उसे देख के, जब इतना सारा धुआं निकल रहा था तो सारे बच्चे उसे देख के डर गए थे हॉस्टल के। तो हॉस्टल में थोड़ा सा वो हो गया था हलचल, तो सारे सारे बच्चे निकल के बैंक से पैसे निकालने गए। बैंक में अब उसमें पैसे भी नहीं है जिससे मैं निकाला, अभी कैश भी नहीं बचा है, थोड़ा सा कैश बचा है। और खाने के लिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, बड़ा मैगी मैगी है, मैगी से काम चलाना पड़ रहा है। लोग तो ऐसे रिएक्ट करे, चलो हम तो फॉरेनर्स हैं, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है। जो यहाँ की लोग खुद इतना रश मचा चुकी है ये सुपरमार्केट्स में, यहाँ के जो बैंक है वहां से हमें कैश नहीं मिल रहा। जो हम कैश इवन वन डे में 24,000 इंडियन रुपीज निकाल सकते थे, वहां हम अभी सिर्फ 600 रुपए निकाल पा रहे हैं। जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, खासकर फर्स्ट सेकंड ईयर वाले, तो कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं। जैसे कि अब मैं हाँ, हमने एम्बेसी को बार बार कॉल की है, हमने बार बार पूछा है कि सिचुएशन क्या है, कैसी है, कि हम क्या करें। एक्चुअली हमें, क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी हमें अलाउ नहीं कर रही थी, उनका कहना ये था कि ये वॉर होगा नहीं, आप सेफ हो, आप जा नहीं सकते, अगर आप गए तो आपकी क्लासेस में एब्सेंट लगेंगे, आपको वापस आना होगा, आपको क्लियर करना होगा। कौन घर नहीं जाना चाहता बस इस सिचुएशन में। लेकिन मैम फोर्थ ईयर में मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैम अब 4 साल की पढ़ाई और ये सारी चीजें जो है, अकोमोडेशन या फिर जो पैसे लगे हैं, सारी चीजें वेस्ट हो जाए अचानक से, तो मैम इस वजह से नहीं मैं अभी तक जा पाया। और सेकंड थिंग ये थी कि मैम फ्लाइट का फेयर जो था वो बहुत जबरदस्त था, मतलब इवन 3 times, 4 times, 5 times जो है वो ज्यादा हो गया था। इवन एयर इंडिया जो है 3 times ज्यादा एयर फेयर ले रही है, 61,000-62,000। तो मैंने फ्लाइट कर रखी है बट मैं मार्च में कर रखा था क्योंकि फ्लाइट बहुत ज्यादा महंगी हो रही थी, मुझे फी भी भरनी थी। तो 8 मार्च को मैंने फ्लाइट की थी अराउंड 25,000 की कतर एयरवेज। घर पे पापा से बात हुई थी, पापा ने कहा अभी तो सारा फ्लाइट व्लाइट भी शट डाउन है ना, तो पापा ने पूछा कि तो कंसल्टेंसी वाले क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। मैंने कहा इंतजाम हो रहा है क्योंकि अभी फ्लाइट व्लाइट भी सब वो है, तो आने का तो पता नहीं पापा, तो वो भी परेशान हो रहे हैं घर में, मम्मी भी पापा भी। बेसिकली मेरे हॉस्टल में जिसमें मैं रह रहा हूँ उसके नीचे ही बंकर है, तो उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी सिचुएशन बिगड़ती है तो आप सीधे वहाँ पहुँच जाइए। उन्होंने पूरा सब कुछ बताया कि कैसे कैसे जाना है, क्या क्या करना है। अभी तो हमें मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, बस ये समझ आ रहा है कि कोई फ्लाइट कराए और हम